सो ये है वन प्लस की तरफ से 12R जो कि 6 मंथ्स पहले 40,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अमेजोन पर ऑफर लगाने के बाद 36,000 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। आज की डेट में ये कैसा परफॉर्म करता है, BGMI गेमिंग इसमें कैसी हो जाती है, बैटरी कैसी चलती है, कैमरास कैसे, हर चीज़ आज की इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एंड ऑनेस्ट तरीके से बताई जाएगी। इवन लास्ट में वन प्लस 12R की सेकेंड हैंड प्राइस क्या चल रही है उस पर भी रोशनी डालेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे न्यू फोन्स पर इन डेप्थ रिव्यूज लाता रहता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके लुक एंड फील से। तो नो डाउट दिखने में ये काफ़ी प्रीमियम है, खासकर इसका ब्लू कलर। वैसे एक और न्यू सनसेट ड्यून कलर भी जल्द आने वाला है। इन हैंड फील काफ़ी रिच है, लेकिन ये फोन बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। आई सजेस्ट इस पर कवर लगा लेना। बैक साइड आपको यहाँ पर ग्लास मिल जाता है जो कि इसकी प्रीमियमनेस को और भी इन्हेंस करता है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, अगर कोई भी इस फोन को देखेगा तो अलग ही समझ जाएगा कि ये वन प्लस का फ्लैगशिप फोन है। बाकी का मजबूती में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। फ्रेम यहाँ पर एल्यूमिनियम का है, मैंने इसे अच्छे से प्रेस करके भी देखा, कहीं से भी चुरमुर की आवाज़ नहीं आती है। बैक साइड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, वहीं फ्रंट साइड आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बाय द वे यहाँ पर प्रोटेक्शन है वो काफ़ी तगड़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पर टेम्पर ग्लास लगवा लेना, क्योंकि अगर ये फोन गिरकर टूट जाता है तो डिस्प्ले इसका काफ़ी महंगा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी का पोर्ट्स में हेडफोन जैक गायब है, अपर साइड आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, TV AC को कंट्रोल कर पाओगे। वहीं वन प्लस का आइकॉनिक कलर स्लाइडर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि 3 स्टेजेस में काम करता है। बाकी का सिम ट्रे में आप 2 5G फिजिकल सिम लगा पाओगे, लेकिन एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। वहीं इसके अंदर आपको 5G के 15 बैंड देखने को मिल जाएंगे एंड 5G भी यहाँ पर बहुत ही तगड़ी स्पीड से चल जाता है। बाकी का वन प्लस 12R में एक और तगड़ी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है जो कि है एक्वा टच। अगर आपकी स्क्रीन पर थोड़ी बहुत पानी की बूंदें आ जाती हैं उसके बाद भी टच यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करता है। वहीं मैं अगर बात करूँ सिक्योरिटी की तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जिसकी पोजीशन बहुत ही शानदार जगह करी गई है। टैप करते से ही ये अनलॉक हो जाता है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बाकी का एक और चीज़ है इस फोन में जो कि मुझे काफ़ी तगड़ी लगती है जो कि इसका वाइब्रेशन फीडबैक। वन प्लस 12R में आपको ओ हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं, टाइप करते टाइम आपको मस्त थक टक वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड वाइब्रेशन फीडबैक को भी UI में बहुत सारी जगह इंप्लीमेंट करा है एंड ये आपके फोन के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। वैसे वन प्लस 12R की जितनी शानदार बिल्ड क्वालिटी है उतना ही खूबसूरत डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 6.78 इंच का एक 1.5K LTPO 10-bit AMOLED curved डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 4K HDR पर वीडियो काफ़ी तगड़ी चलती है, कलर्स काफ़ी ब्राइट आते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी कमाल के, इवन वीडियो में शार्पनेस भी आपको नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाएगी। मल्टीमीडिया कंजप्शन आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बाकी का इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो कुछ सिचुएशन में 14500 निट्स तक के HDR कंटेंट पर चली जाती है। वैसे इसके अंदर 1600 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि अगेन काफ़ी ब्राइट होती है। बस इसका रेजोल्यूशन डिफॉल्ट 1080p पर आता है। अगर आप अंदर से जाकर इसे 1.5K पर कर लेंगे तो आपका डिस्प्ले और भी ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने इस फोन को आउटडोर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको ईजिली यूज़ कर पाओगे। वहीं मैं अगर बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की तो वो बस आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, नीचे वाला स्पीकर काफ़ी लाउड क्लियर है, वहीं जो ऊपर वाला स्पीकर है वो थोड़ा कमजोर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज इस फोन की आपको बिल्कुल भी कमजोर देखने को नहीं मिलेगी जो कि है इसकी तगड़ी परफॉर्मेंस। वन प्लस 12R के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको सैमसंग S23 एंड S23 अल्ट्रा में मिलता है। नो डाउट वन प्लस 12R पानी की तरह चलता है, ऑन टू स्कोर 15 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। वहीं जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है उसमें भी 3 लाख का स्कोर पार चले जाते हैं, वहीं ज़्यादा ये थ्रॉटल भी नहीं करता है। सबसे अच्छी बात इस फोन की कि मैंने इसे बहुत हैवी यूज़ करा, ये कभी भी लैग नहीं होता है। इसको आप कितना ही फास्ट चला लो, बार बार ऐप ओपन क्लोज कर लो या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉर के साथ खेलो या फिर ऐप स्विच करो, ये ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन भी पलक झपकते ओपन होती है जो कि आपके दिल को अलग ही सुकून दे देगी, ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन पहले से ही मेमोरी में थी। वहीं जो एनिमेशन है वो भी आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाते हैं, एनिमेशन में भी कोई लैग नहीं है। इवन जो इसका 120Hz से वो भी बहुत ही तगड़े तरीके से ऑप्टिमाइज है। इसके अंदर LTPO 4 डिस्प्ले जो कि 1Hz से 120Hz पर स्विच करता है, हर एप्लीकेशन में 120Hz का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बस अंदर से जाकर जिस एप्लीकेशन में 120Hz नहीं चल रहा है उसको जाकर 120Hz पर सेट कर लेना एंड आपका जो भी एप्लीकेशन है वो 120Hz पर लॉक हो जाएगी। बाकी का यहाँ पर बेस वेरियंट में आपको 8GB की LPDDR5X RAM देखने को मिल जाती है, मल्टीटास्किंग नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, 8 से 10 एप्लीकेशन आप आराम से बैकग्राउंड में रख पाओगे। वहीं
जो ऐप स्विचिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस का राज है इसकी UI जो कि ऑक्सीजन OS है। वन प्लस 12R करेंटली एंड्रॉइड 14 पर है एंड इसे एंड्रॉइड 17 तक के भी अपडेट देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे अच्छा खासा फ्यूचर प्रूफ भी बना देते हैं। बाकी का UI के बहुत से फीचर्स हैं जो कि आपके काम आएंगे। आप वन टैप पर आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, साइड बार को मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन फाइल डॉक में कुछ कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर पाएंगे, इवन स्प्लिट व्यू भी यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से ऑप्टिमाइज है, दो एप्लीकेशन आराम से एक साथ चल जाती हैं। वहीं कुछ एप्लीकेशन में आपको PIP मोड वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी का और भी जितने ज़रूरी फीचर्स हुए लाइक ऐप को हाइड करना, ऐप को लॉक करना, इवन प्ले स्टोर से अगर आप ओडायलो इंस्टॉल कर लेंगे तो कॉल को भी बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल वन प्लस 12R में आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और ये चलने में भी तगड़ा है एंड जितना ये चलने में तगड़ा है उतनी शानदार गेमिंग भी करवा देता है। वन प्लस 12R में BGMI फट से ओपन हो जाता है, ग्राफिक सेटिंग भी आपको मैक्स देखने को मिल जाएगी, HDR प्लस एक्सट्रीम एंड स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का भी सपोर्ट दिया है यानी 90 FPS वाला, लेकिन 90 FPS इसमें आते नहीं है। मैंने गेमिंग करने से पहले परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया था, इवन गेमिंग मोड में जाकर प्रो गेमिंग को भी इनेबल कर दिया था, उसके बाद भी इसमें 60 FPS के पार ये नहीं जा पाता है। वैसे ओवरऑल गेमिंग काफी तगड़ी है, रिएक्शन टाइम काफी फास्ट है, कैमरा मूवमेंट हुए, फ्लैक्सेस हुए, ये सब आपको अपरंपार मिल जाएंगे। इवन जायरो में भी कोई लैग नहीं है, फुल फ्लैगशिप वाली गेमिंग आप इसमें कर पाओगे। बस अगर 90 FPS का यहाँ पर ऑप्शन दिया था तो 90 FPS चलना चाहिए था, यहाँ पर ये चीज नहीं होती है जो कि थोड़ा मन को खटकती है। बाकी का स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर आप तगड़ी गेमिंग कर पाओगे एंड तगड़ी गेमिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर बैटरी भी बहुत शानदार देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी है जो कि काबिलियत तारीफ है इतने स्लिम डिजाइन में डालना, एंड यहाँ पर जो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। फुल चार्ज में आप आराम से इसको नॉर्मल यूसेज में 1.5 दिन तक चला पाओगे, वहीं अगर आप यहाँ पर हैवी यूज करते हो तब भी आपको बैड टाइम पर चार्ज करना पड़ेगा। और तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर ही आपको 100W का चार्जर देखने को मिल जाता है, सैमसंग एंड एप्पल की तरह आपको चार्जर अलग से नहीं लेना पड़ेगा एंड चार्जर की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मात्र 15 मिनट के अंदर फोन आपका 50% हो जाएगा जो कि वन प्लस 12R को बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में काफी परफेक्ट फोन बना देता है। देखो ओवरऑल वन प्लस 12R लुक एंड फील में, परफॉर्मेंस में, बैटरी में, इवन गेमिंग में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है, लेकिन एक चीज इस फोन की ऐसी है जो कि आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, वो है इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस। वन प्लस 12R में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 MP का मैक्रो है। मैंने यहाँ पर जितने भी शॉट्स 50 MP हाई रेस पे लिए, डिटेल्स नो डाउट काफी तगड़ी आती है, लेकिन डायनेमिक रेंज कंट्रोल इतना खास नहीं है, कभी फोटो डार्क आता है तो कभी लाइट ज्यादा हो जाती है एंड कलर्स भी एक जैसे नहीं आते हैं, फोटो कभी ओवर एक्सपोज हो जाता है तो कभी तगड़ा आ जाता है। बाकी का स्काई तो पूरा ही फेड आउट ही आएगा, ओवरऑल इसका 50 MP इतना खास परफॉर्म नहीं करता है, वहीं अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट के फोटो लोगे वो अलबत्त थोड़े बढ़िया आ जाते हैं। वैसे आप इसके 12 MP से 1x to 5x तक के डिजिटली जूम वाले फोटोज ले सकते हैं एंड मैंने ये नोटिस करा कि 5x वाले शॉट्स में भी डिटेल्स आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अगर बात करूं पोर्ट्रेट शॉट्स की तो इसके अंदर डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा नहीं है, आप 2x डिजिटल जूम करके इससे पोर्ट्रेट ले पाओगे। ओवरऑल यहां पर पोर्ट्रेट ठीक ठाक आ जाता है लेकिन डिटेल्स इतनी खास देखने को नहीं मिलती है, जूम करोगे तो डिटेल्स यहां पर फट जाएगी, लेकिन यहां पर जो बैकग्राउंड में ब्लर हुआ, कलर्स हुए, एज डिटेक्शन हुई, वो आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। कलर्स नेचुरल आते हैं, बस हल्की सी एडिटिंग करोगे फोटो आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर इसके पोर्ट्रेट्स अच्छे आ जाते हैं, बस हल्की सी शार्पनेस एंड डिटेल्स की कमी आपको फील हो जाती है। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड की तो वन प्लस 12R में आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। ये फोन अंडर 40,000 rupees का, यहाँ पर कम से कम 12 MP का अल्ट्रा वाइड तो होना ही चाहिए था। मैंने यहाँ पर जितने भी अल्ट्रा वाइड शॉट्स लिए फोटो ब्राइट आता है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी बढ़िया है, बस डिटेल इतनी खास नहीं मिलती है, जूम करोगे तो अलग ही डिटेल्स एंड शार्पनेस की कमी आपको महसूस हो जाएगी। मैंने कुछ शॉट्स नाइट में भी लिए थे, यहाँ पर भी वन प्लस 12R ठीक ठाक काम कर जाता है। बाकी का जूम फोटो नाइट में भी 5x पर बहुत अच्छे आ जाते हैं। वही जो मैक्रो है वो 2 MP जैसी क्वालिटी दे देगा जो कि आपके ज्यादा किसी काम की नहीं। बात करें यहाँ पर वीडियोस की तो मैक्स आप 4K 60 FPS पर वीडियो बना सकते हो। जब फोन में मैंने वीडियो देखी थी तो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, कलरफुल लग रही थी, लेकिन जब मैंने अपने मैकबुक में नेचुरल डिस्प्ले में देखी इसकी वीडियो तो यहाँ पर मुझे कलर बहुत ही ज्यादा फेडेड लगे। वैसे जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, डिटेल्स यहाँ पर नॉर्मल इतनी खास आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको वीडियो बनाने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर डायरेक्ट सनलाइट में वीडियो नहीं बनाओगे तो यहाँ पर डिटेल्स एंड जो कलर्स हैं उसकी अच्छी खासी कमी आपको महसूस हो जाएगी। वहीं जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 16 MP का मिल जाता है, सेल्फी काफी तगड़ी आ जाती है, सेल्फी मस्त डिटेल वाली रहती है, कलर्स भी अच्छे जाते हैं। वहीं जो पोर्ट्रेट सेल्फी है वो भी तगड़ी ले पाओगे, एज डिटेक्शन बढ़िया हो जाता है, इवन ब्लर भी आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा के मामले में वन प्लस 12R जितने तगड़े फोटोज लेता है उतनी ही घटिया वीडियो क्वालिटीज की आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो मैक्स आप 1080 30 FPS पर ही वीडियो बना पाओगे, यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो ब्रेक डांस करता है, क्वालिटी भी आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलती है एंड
एंड फ्रंट कैमरे की जो वीडियो में कलर्स है वो भी आपको इतने शानदार देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। देखो यहाँ पर OnePlus 12R के कैमरास को मैंने जितना भी यूज करा है, आप इससे नॉर्मल फोटोज एज वेल एज पोर्ट्रेट वाले फोटोज ठीक ठाक ले पाओगे, लेकिन फिर भी अंडर 40,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट को ये टच भी नहीं कर पाता है। फोटोज प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। वहीं मैं अगर बात करूँ वीडियो क्वालिटी की तो वो भी आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलती है। अगर आपकी मेन पॉइंटी यहाँ पर कैमरा है तो OnePlus 12R आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। बाकी का जितने भी फोटोज एंड वीडियो सैंपल्स है सब मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करके बारीकी से चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, OnePlus 12R को बाय करा जाए या इसको टाटा बाय बाय करा जाए। देखो यहाँ पर OnePlus 12R को मैंने जितना भी यूज करा है ये चलने में बहुत ही शानदार चलता है, परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई इशू नहीं आएगा। 120 हर्ट्ज भी बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है, एंड्रॉइड 17 तक का सपोर्ट है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला कर्व डिस्प्ले मिलता है जिससे आपकी मल्टीमीडिया कंजप्शन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। वहीं जो गेमिंग है वो भी आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। इवन बैटरी भी यहाँ पर आपको बहुत ही मैसिव 5500 mAh की देखने को मिल जाती है विथ 100W चार्जर, एंड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा है। बस अगर आपकी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी कैमरा है तो OnePlus 12R आपके लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आएगी एंड उस सेल के अंदर आपको सैमसंग का S23 अंडर 40,000 रुपीज का न्यू देखने को मिल जाएगा, एंड S23 के कैमरास OnePlus 12R से काफी बेटर हैं। वैसे दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर है, बस जो बैटरी है वो S23 की ज्यादा नहीं चलती है। अगर आपको S23 के बारे में और जानना है तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर लाइव है, आप जाकर उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। वैसे मैं तो न्यू फोन में इतने पैसे नहीं डालता हूं। अभी जिस फोन का आपने वीडियो देखा है वो OnePlus 12R 16GB वाला है, जो कि मैंने सेकंड हैंड लिया है, वो भी अंडर 35,000 रुपीज का, एंड उसके अंदर भी 3 months की वारंटी है। अगर आप चाहें तो इसका बेस 8GB 128GB बाय कर सकते हैं, वो आपको अंडर 30,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। बस यहां पर ये ध्यान रखना कि फोन वारंटी में हो, क्योंकि अभी इसको लॉन्च हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, तो फोन आपको 4-5 महीने पुराना इजीली देखने को मिल जाएगा। 8GB का जो मैक्स प्राइस रहेगा वो 30,000 रुपए, एंड जो 16GB वाला वेरिएंट है उसका मैक्स प्राइस रहेगा 35,000 रुपीज। और अगर आप रुकते हैं तो सेल में आपको और भी थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी का भोपाल में रहते हैं, जेन्युइन सेकंड हैंड फोन चाहिए तो घोड़ा नक्काज पर जीतू भाई की दुकान है, वहां पर आपको जेन्युइन सेकंड हैंड फोन देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर कहीं बाहर रहते हैं तो स्ट्रीट मोबाइल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको फोन डिलीवर करवा देंगे। आई होप वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी होगी। अगर OnePlus 12R को लेकर कुछ और डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और न्यू फ्लैगशिप फोन के साथ। टिल देन टेक केयर।